नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी ग्रह का उदय और अस्त होना सभी राशि के जातकों को प्रभावित करता है। बता दें कि 18 अगस्त को सूर्य शुक्र राशि में उदय हो गए हैं। शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह माना जाता है। ऐसे में शुक्र के उदय होने से कई राशि वालों को प्रेम और वैवाहिक जीवन में आनंद और विलासिता की प्राप्ति होगी। इस दौरान कुछ राशियों को विशेष लाभ होने वाला है। आइए जानते हैं इस समय शुक्र के उदय होने से किन राशि वालों को बंपर लाभ होने वाला है। पहली है मेष राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं। इस दौरान मेष राशि वालों के लिए ये समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। बता दें कि शुक्र इस राशि के 10वें भाव में उदय हुए हैं। इस दौरान इन राशि वालों को कई मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा। घर परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। संपत्ति और वाहन खरीदने के पूरे योग बन रहे हैं। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने वाले सफल होंगे आप। पेशेवर जीवन भी काफी अच्छा बीतेगा। आपका लंबे समय से रुके हुए काम इस अवधि में पूरे हो जाएंगे। कर्क राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क राशि में ही शुक्र उदय हुए हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को विशेष लाभ होगा। परिवार के साथ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। अगर कहीं निवेश की सोच रहे हैं तो इस अवधि में कर सकते हैं, इससे लाभ होगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। इस अवधि में नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति और इंक्रीमेंट मिल सकता है। इसके बाद है कन्या राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कन्या राशि वालों के लिए ये समय काफी शुभ फलदायी रहने वाला है। इसके अलावा बता दें कि शुक्र इस राशि के 11वें भाव में उदित होने जा रहे हैं। ऐसे में इस राशि वालों को अचानक से धन लाभ होगा। दोस्तों के साथ अच्छे समय अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां ही खुशियां लौटेंगी। आय के नए स्रोत खुलेंगे। कुंभ राशि। बता दें कि इस राशि के 6वें भाव में शुक्र उदित होने जा रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। माता पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इस समय सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। संपत्ति वाहन और घर खरीदने का सपना जल्द पूरा हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। वहीं लंबे समय से रुके हुए काम भी पूरे होंगे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।